जय माता दी। मैं सरोज, कुकविद सरोज में आपका स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आपको पहले तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। और आज मैंने कान्हा जी के लिए नारियल की बर्फी बनाई है, उनके लिए प्रसाद बनाया है और मैं उसी का ही भोग लगाऊंगी और मैं उसी रेसिपी आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो आप पूरी रेसिपी देखिए और घर पे बनाइए। तो चलिए फिर से लेके चलती हूँ आपको अपने किचन की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो दूध लिया है और इसे मैं गर्म कर रही हूँ और धीमी आंच पर इसको पकाएं और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि ये नीचे ना पकड़े। चलिए जब तक मैं दूध गर्म करती हूँ, जब तक आपको मैं अपने ये इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसमें क्या क्या डलेगा बर्फी में। चलिए यहाँ लिया है मैंने चांदी का वर्क और यहाँ लिया है मैंने केसर और ये हैं खरबूजे के बीज। इनको मैंने कलर से थोड़ा इस तरीके का मतलब बना लिया था। बाकी ये हैं वाइट वाले और 500 ग्राम दूध है तो मैंने चीनी ली है यहाँ 400 ग्राम और 500 ग्राम ही हमारा नारियल का बुरादा है। चलिए दूध को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसका खास ध्यान रखना है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो 400 ग्राम चीनी मैंने बताई थी उसको डालेंगे, क्योंकि चीनी जब गर्म होती है वो भी अपना पानी छोड़ती है, फिर दूध और पतला हो जाता है, तो इसलिए इसको और चलाएंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। दूध हमारा गर्म हो जाए इसमें हम एक पिंच डालेंगे अपना केसर ताकि इसमें कलर भी अच्छा आ जाए और थोड़ा हल्का सा टेस्ट भी आ जाएगा। और इसके बाद फिर से हम दूध चलाते रहेंगे, स्लो ही आंच रखनी है। चलिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया, अब हम इसमें डालते हैं अपना नारियल का बुरादा जो कि मैंने 500 ग्राम लिया था, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और अब डालेंगे इसमें हम खरबूजे के बीज और इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बराबर से इसको चलाते रहिए इसी तरीके से। जब तक हमारी ये बर्फी का ये पेस्ट ना बन जाए अच्छी तरीके से, थोड़ा थिकनेस ना आ जाए तब तक इसको थोड़ा चलाते रहेंगे। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा इसलिए हम ढक रहे हैं, ये जो ये ऊपर को ब्लिंक मार रहा है इसलिए मैंने प्लेट ढक दिया। चलिए फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, अब इसको हम चलाएंगे फिर से। चलिए हमारी अभी ये पेस्ट टाइप बन गया है, अब इसको आप हम एक ट्रे में लेंगे। वैसे तो अगर आप इस पे बटर पेपर रखना चाहें तो वो रख लीजिए। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके उसके बाद इस बैटर को डाल रही हूँ और इसको हम फैला लेंगे ठीक से ताकि हमारी बर्फी अच्छे तरीके से कट हो सके। चलिए इसकी सेटिंग कर ली है हमने, अब इस पर हम डालेंगे चांदी का वर्क। चांदी के वर्क से थोड़ी शो आ जाती है, देखने में बर्फी हमारी बहुत ही बेहतरीन लगेगी। चलिए सावधानी से इसको लगाइए। चलिए अब हमने इसको लगा लिया, अब इसके बाद जो हमने अपने बीज जो हमारे खरबूजे के थे उनको मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा सा कलर करके कर लिया था। अगर आपके पास ऐसे पिस्ता ना हो तो आप इस तरीके से ऐसे कलर करके इस तरीके से बना सकते हैं। अब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। देखिए 2 घंटे बाद हमारी बर्फी बनके कितनी सुंदर तैयार हुई है, खाने में भी बहुत अच्छी है। अब हम इसके पीस कट करेंगे, आपको जैसा डिजाइन चाहिए आप उस तरीके से कट करिए।
बस इसी तरीके से आप कट करते जाइए। ये देखिए आपको चकोर शेप में चाहिए, आप उस तरीके से काट सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से काटी है, ये देखिए पीस निकल के हमारा आ गया है। देखिए कितनी सुंदर बर्फी लग रही है ना। चलिए बस आप इसी तरीके से कट करिए और इसको ट्रे में सजाइए। देखिए नारियल की बर्फी बनके तैयार है, अच्छी लग रही है ना आपको। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, जितनी देखने में अच्छी है उतनी ही खाने में भी अच्छी है। तो अब ये प्रसाद बना के मैंने तैयार कर लिया है। 12 बजे मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, इसी से उनको भोग लगा के हम प्रसन्न करेंगे। मेरा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन भी आप देख सकते हैं, मैं किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ, आप वो भी देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। और ये नारियल की बर्फी की भी आपको किस तरीके की लगी, मेरा ब्लॉग देखना ना भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना भूल ना। चलिए चलती हूँ, फिर से आऊंगी आपके लिए एक नई रेसिपी लेके। हैप्पी जन्माष्टमी एंड जय माता दी।